मकमद राशिद से मैं पूछना चाहूँगी कि सेल करने का भी एक तरीका होता है, अगर आप में टैलेंट है या आपकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है उसको सेल करने का भी एक तरीका होता है, आप लोग ब्रांडिंग का भी बताते हैं, तो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देखिए बिजनेस है, आप रिस्क है, लॉस भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, तो किस तरह से आप उन्हें बताते हैं कि भाई इस तरह से ब्रांडिंग की जाए? देखिए इसमें ना दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पता क्या है, हमारी यूथ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही होती है ना, वो पहले नंबर पे जब डिग्री स्टार्ट करने लगते हैं ना तो उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो शायद एक ऐसी जॉब मिलेगी, गाड़ी और बंगला और बहुत अच्छा लश पछता एक ऑफिस, ये सारा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दो तीन सेमेस्टर्स आज भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस तरह के ख्वाब में रहते हैं। अच्छा, मुझे लगा काफी मैच्योर हो गए हम लोग, हमें रियलिटी पता है कि पाकिस्तान में कैसे सरवाइव करें। मेरे पास ये केसेस आते हैं काउंसलिंग के लिए, ये मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही दो चार सेमेस्टर्स गुजरते हैं, वो अपने सीनियर से बात करते हैं, इधर उधर से थोड़ा बहुत पता चलता है, देन समझ आनी शुरू होती है यार यहाँ से निकलने के बाद 8-10 हज़ार एक इंटर्नशिप मिलेगी, देन फिर परेशान होना शुरू होते हैं। पेरेंट्स के ख्वाब अभी भी वहीं पे हैं कि बेटा जैसी डिग्री पूरी करेगा पता नहीं क्या हो जाने वाला है। ठीक है, अब एक तरफ पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं, दूसरी तरफ बच्चों को रियलिटी का पता लगना शुरू होता है, अब बच्चे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो परेशानी है ना उनको डिफरेंट अजीब किस्म के काम करने पर मजबूर कर देती है। वो लोग डिफरेंट स्टार्टअप्स को देखना शुरू कर देते हैं, यार उसने ये किया तो मैं भी ये करके कामयाब हो जाऊंगा, यार दुनिया को वो फलाना बंदा ना ये काम करके वो इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गया, मैं भी पहुँच सकता हूँ। वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो कभी इसको देख, इस वाले काम को देख, कभी इस वाले काम को देख, जो एक्चुअली उनके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है वो उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते, वो दूसरों को फॉलो करने में लगे रहते हैं। ये भेड़चाल सिर्फ डिग्री तक खत्म नहीं होती, आगे भी चलती जाती है। उसका रिजल्ट डिग्री में भी स्टार्ट हुई थी, एमबीए करना शुरू हुए तो सबने एमबीए, मैथ्स कॉम करना शुरू किया तो सबने मैथ्स कॉम, अभी भी है ऐसे ही, अभी भी चल रहा है। आप देखें ना जितने एमबीए हमारी यूनिवर्सिटीज पैदा कर रही हैं, आप कभी जाकर उनसे पूछें कहाँ पे जा रहे हो, बिल्कुल, तो ये एक भेड़चाल चलती रहती है। तो ये भेड़चाल सिर्फ डिग्री तक खत्म नहीं होती, ये लोग ऐसे ही उन स्टार्टअप्स को देखते हैं, उनके पीछे भी चलना शुरू कर देते हैं। अब रिजल्ट क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि ये सिर्फ जो जिसने पहले काम किया हुआ उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये फेल हो जाते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं क्यों, उनके कंपेटिटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, ज़्यादा स्किलफुल भी हैं, तो जो काम नया ये लोग शुरू करते हैं उसमें इनका एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, उसको जानते नहीं है और ये फेल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद मायूसी छाने लगती है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि आप जब कोई भी नया कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं ना तो उसको डिग्री के फ़ौरन बाद ना शुरू कर दें। ठीक है, कम से कम उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप 2-3 साल जॉब कर लें, किसी के पास काम कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फील्ड में करें जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो आप काम करना, बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए आपने अपने पैसे लगा के एक एक्सपेरिमेंट करना है, उससे अच्छा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा पैसे लगा रहा है, आप वहाँ पे जाके सीखें, अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, फेलियर सक्सेस वहाँ पे देखें, अपने पर वहाँ पे तोलें, और जब ये समझ जाएं कि यार इस काबिल हो गया हूँ कि अब मैं अकेला उड़ सकता हूँ, ठीक है, देन वहाँ से मूव करें और देन अपना स्टार्टअप लें। अच्छा, अपना स्टार्टअप लेते हुए भी ना लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती पता क्या होती है, जितनी सेविंग्स होती हैं, जितना पैसा बचाया होता है ना, वो एसेट्स बनाने पर लगा देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक थॉट ये भी होना चाहिए कि यार मुझे जिंदा रहने के लिए, अपने डेली रूटीन के टास्क पूरे करने के लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। सो जब आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स उसमें ज़रूर ऐसी रखें जो यू कैन से कि रूटीन वाली हो, जहाँ से कुछ ना कुछ आता रहे। ठीक है, उससे होगा क्या कि कम से कम आप मेंटली थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहेंगे कि यार मेरा सर्किट चल रहा है, मेरा सिस्टम चल रहा है, और आप प्रॉपर्ली फोकस कर पाएंगे उस अपने स्टार्टअप पे, उस अपने न्यू आइडिया पे। उससे क्या होगा, आप अंदर से स्ट्रेंथन होंगे, आप मेंटली पीसफुल होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप उसको ज्यादा फोकस से लेके चल सकेंगे और उसको सक्सेस की तरफ लेके जा सकेंगे, बजाय इसके कि सिर्फ एसेट्स बना दिए जाएं, सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया जाए। दिस इज नॉट एनफ। आपको इन्वेस्ट भी करना है तो प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के, जहां से कुछ आपको मिले। ठीक हो गया।